शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला कानपुर से सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का मामला है, जहां पुलिस पर महिला ने कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज महिला ने गुहार लगाई है, तो पुलिस की कार्यशैली से नाराज महिला ने गुहार लगाई है, रो रोकर पीएम मोदी से न्याय की गुहार महिला की तरफ से लगाई गई है। आपको बता दें चले कि दुष्कर्म का मामला है, जो डीसीपी के आदेश के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद युवती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। जूही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले पर पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीसीपी के आदेश के बावजूद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। थाना कल्याणपुर पर कल एक सूचना प्राप्त हुई, इसमें जो वादिनी है उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी 8 साल की बच्ची जब स्कूल जा रही थी, तो एक व्यक्ति के द्वारा उसको बहकाकर अपनी दुकान के अंदर बुलाया गया और उसके बच्ची के साथ उस व्यक्ति के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया। इस संबंध में जो पीड़िता की मदर हैं, उनकी तहरीर के आधार पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। बांदा से बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, अंतिम दिन चौथा नामांकन पत्र किया दाखिल, तो नामांकन के आखिरी दिन नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। लगातार मिल रहा जनता का प्यार, मयंक द्विवेदी ने लोगों से मुखातिब होते हुए अपील की है वोटों की, और साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन दे रही है। मैंने 3 सीट में नामांकन दाखिल कर चुका हूं और 4वीं सीट का नामांकन आज दाखिल कर रहा हूं, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है और साथ में आज परमिशन के तहत जनसभा कार्यक्रम भी हमारा लगा हुआ है। अभी हम उस जनसभा में पहुँच के लोगों को अपने लिए आशीर्वाद कामना करेंगे, सब लोगों के समर्थन और उम्मीद के साथ। किस तरह से आप लोगों को जनता का समर्थन मिल रहा है लगभग? क्योंकि वो तो आप सब लोगों को जानकारी है, जनता का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ, सब लोगों का मुझे मिल रहा है। सर्व समाज के सम्मान में हूँ मैं और जिस हिसाब से मौजूदा सांसद जी का विरोध हो रहा है उसका कहीं ना कहीं अपार जन समर्थन के रूप में जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है।